आज हम रिव्यू करेंगे शिमला की 3-स्टार प्रॉपर्टी सुख सागर रेजेंसी। ये प्रॉपर्टी शिमला पहुंचते ही राइट साइड में पड़ जाती है, जो कि तारा देवी रेलवे स्टेशन के वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तारा देवी स्टेशन पर टॉय ट्रेन से आया जा सकता है, जिसे आप कालका से बोर्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस होटल में पार्किंग स्पेस काफी है। डिनर करके अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये पाथ काफी है। आइए इस होटल को अंदर से देख लेते हैं। वो सामने लिफ्ट है, ये सारा सिटिंग एरिया है, आप इसे लॉन्ज भी कह सकते हैं। आइए आपको इस होटल का स्विमिंग पूल दिखाता हूं। इस फ्लोर पे 3 रूम कैटेगरीज हैं, डीलक्स एंड हनीमून इधर है, सुपर डीलक्स रूम यहां है, जहां आपको बालकनी मिल जाएगी। यहाँ इनका इंडोर स्विमिंग पूल है, इसका पानी रूम टेम्परेचर पे रहता है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम मैंडेटरी नहीं है, आपके पास अगर है तो ठीक, अदरवाइज ये मना नहीं करते हैं। पूल की टाइमिंग सुबह 8 से शाम 8 बजे तक है। अब मैं आपको इनका रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ, जो अच्छा स्पेशियस है। खाने में आपको यहाँ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी ब्रेकफास्ट का समय है तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। एग भुर्जी, पेस्ट्रीज एंड कपकेक, इडली सांबर, पूड़ी भाजी, पोहा, ब्रेड बटर एंड जैम, कॉफी, कॉर्नफ्लेक्स, मैंगो जूस एंड फ्रूट्स में पपीता, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। डिनर में नूडल्स, मंचूरियन, चिली पनीर, सूप, पापड़, फ्राइड राइस, राइस, दाल, मिक्स वेज एटसेट्रा, और स्वीट्स में आइसक्रीम, गुलाब जामुन, कपकेक्स, पेस्ट्रीज रहती हैं। ये प्रॉपर्टी नॉन वेजिटेरियंस के लिए नहीं है, क्योंकि नॉन वेज के नाम पे सिर्फ एग सर्व होता है। किचन इनकी रात को 10 बजे तक ओपन रहती है। बच्चों के लिए मिल्क वगैरह आप रूम में ही मंगवा सकते हैं। जहां तक फूड के टेस्ट का सवाल है, वो एवरेज है। चाय यहाँ अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। आई प्रेफर कि होटल के पास आपको चाय मिल जाएगी, वो ज्यादा अच्छी है। अब आपको रूम्स की तरफ ले चलते हैं। यहाँ टोटल 4 रूम कैटेगरीज हैं,
डीलक्स, सुपर डीलक्स, हनी रूम और एग्जीक्यूटिव रूम। हम 3 रूम कैटेगरीज में 1 से 2 रात रुके हैं, तो हम आपको बता सकते हैं कि सभी रूम्स में क्या क्या डिफरेंसेस थे। एज सच डिफरेंसेस ज्यादा नहीं थे, क्योंकि बेसिक एमिनिटीज जैसे टी, कॉफी मेकर, वाईफाई, सोफा, एसी, हीटर, अटैच्ड बाथरूम, टीवी, व्यू, अलमीरा, सेंट्रल टेबल, फ्लोरिंग एटसेट्रा सभी रूम्स में है। डीलक्स रूम और हनीमून रूम का साइज सेम है, वहीं सुपर डीलक्स रूम और एग्जीक्यूटिव का साइज बड़ा है। हनीमून रूम और एग्जीक्यूटिव रूम इनकी प्रीमियम कैटेगरी ऑफ रूम्स हैं। सुपर डीलक्स रूम में आपको बालकनी मिल जाती है, हनीमून और एग्जीक्यूटिव रूम में आपको बाथटब मिल जाता है। डीलक्स रूम्स बेसिक रूम कैटेगरी हैं, इसलिए वहां से व्यू इतना अच्छा नहीं है, साइड व्यू आपको मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप ओनली व्यू रूम्स देख रहे हैं तो आप सुपर डीलक्स और हनीमून कैटेगरी का चयन कर सकते हैं। ये हनीमून कैटेगरी है, सामने माउंटेन व्यू है। थोड़ी रूम की कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से अब चेकआउट कर रहे हैं और सभी चीजें यूज हैं। 2 वाटर बॉटल्स ये डेली रख दिया करते थे। वॉशरूम में आप देख सकते हैं कि एक बाथटब है। सुपर डीलक्स और डीलक्स में बाथटब नहीं है, वहां शावर दिया हुआ है। वॉशरूम में टॉयलेट्रीज और हेयर ड्रायर भी आप देख सकते हैं। शिमला में अक्सर होटलों में एसी नहीं होता है, पर इस होटल के हर एक रूम में एसी है। ये देखिए, हनीमून रूम में तो एसी है ही, क्योंकि ये एक प्रीमियम कैटेगरी है। इसके अलावा डीलक्स में भी, जो इनकी बेसिक कैटेगरी है, उसमें भी एसी अवेलेबल है। ये देखिए, हनीमून रूम से ऐसा व्यू आता है सामने। सोफा आप देख सकते हैं, छोटी टेबल भी है। ये है जी इनका हनीमून रूम। ये अलमीरा है, कुछ हैंगर्स हैं। ये है इनकी सबसे प्रीमियम कैटेगरी एग्जीक्यूटिव रूम। यहां देखिए आपको 2 वाटर बॉटल्स, जैसे मैंने कहा था, डेली रख जाते हैं। ये सामने व्यू देखिए आप, रूम का साइज देखिए आप। आइए आपको इसका व्यू दिखाता हूं। ये देखिए, ये खिड़की हर एक रूम में अवेलेबल है, जिसको खोल के आप ऐसे भी व्यू एंजॉय कर सकते हैं। टीवी है, हर एक रूम में टीवी है, फैन है, एसी तो है ही सभी रूम्स में, जैसे मैंने बताया था आपको।
दो सोफे लगे हुए हैं छोटे, एक सेंटर टेबल भी आपने देखी, ये टी कैटल। रूम की कंडीशन सही नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम चेकआउट कर रहे हैं इसलिए सभी चीजें यूज्ड हैं। अब आपको एग्जीक्यूटिव रूम का वॉशरूम दिखा देता हूं, ये देखिए। सामने टॉयलेटरीज और हेयर ड्रायर आपने देखा, ये बाथटब है, दैट इज इट। यह होटल हमने ऑनलाइन बुक नहीं करवाया था, जून का महीना था और वीकेंड होने की वजह से हमें रूम्स नहीं मिल रहे थे। फिर हमने ऑनलाइन कुछ ट्रैवल एजेंसीज सर्च की, इन दी एंड सुंदर भारत ग्रुप ने हमारी हेल्प की। ऑनलाइन ये होटल 3 नाइट्स के लिए अवेलेबल नहीं था और डीलक्स रूम के एक रात का चार्ज 7200 दिखा रहा था विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर, बट सुंदर भारत ग्रुप ने हमें एक एग्जीक्यूटिव रूम, एक हनीमून रूम एंड एक डीलक्स रूम इन ओनली 4000 पर नाइट विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर के साथ अरेंज कराया। वी आर वेरी थैंकफुल टू दिस कंपनी। इस कंपनी का फोन नंबर और ईमेल एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यह एक 3-स्टार प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से इसकी सर्विसेज एंड अमेनिटीज अच्छी हैं। कुछ पॉइंट्स में इसके काट सकता हूं, फॉर पुअर कनेक्टिविटी ऑफ वाईफाई इन रूम्स एंड फूड। ओवरऑल आई रिव्यू दिस प्रॉपर्टी 7/10। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।